रेनाला खुर्द यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में यूथ डेवलपमेंट सेमिनार का इनाकाद। वाइस चांसलर के विजन के मुताबिक तलबा को हम नसाबी सरगर्मियों के लिए तैयार कर रहे हैं। मुकर्ररीन ने तलबा को मुस्बत हम नसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की तलकीन की। फूड गाला में तलबा ने मुख्तलिफ इलाकाई सकाफत के हवाले से स्टॉल्स लगाए। यूनिवर्सिटी के साथ ने रंगारंग सरगर्मियों को सहराते हुए तलबा की हौसला अफजाई की। सेमिनार के इख्तिताम पर फूड गाला और सकाफती सरगर्मियाँ भी मुनक्कद हुई। रिपोर्ट मुबशिर यूनस चौधरी, पाक टीवी, रेनाला खुर्द। महकमा वापडा की मुबैना गफलत की वजह से अंदरून शहर मोहल्ला सरकान में बिजली की लटकती तारें शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। बिजली की लटकती तारें किसी भी वक्त नाखुशगवार वाकया का सबब बन सकती हैं। अहले इलाका शदीद परेशान। आला अफसरान से नोटिस लेने का मुतालबा। कई दफा वापडा वालों को शिकायत दर्ज करवाई लेकिन कोई हल नहीं निकलते। हमारी जानो माल दोनों को इन लटकती तारों से खतरा है। जिला चनियोट में गर्मी के बढ़ने के साथ साथ आम की मांग में इजाफा होता जा रहा है। जिला चनियोट के शहरियों की एक कसीर तादाद आम की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख करते हैं। इसके साथ आम से मिल्क शेक और अचार डालने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मौसम गर्मा की सौगात आम जिसको खाने और खास तौर पर छोटे बच्चों के लिए भी मुफीद करार दिया गया है। चनियोट के इलाका मौसम शाह की आवाम हाथ मलती रह गई। महकमा पब्लिक हेल्थ चनियोट के एक्सीएन फैसल शौकत ने मौसम शाह रोड का फंड जैसे आया थोड़ा काम शुरू करवा कर बकिया फंड वापस भिजवा दिया और खुद कोरोना का बहाना बनाकर चनियोट से गायब हो गया, जबकि शहरी जलीलो ख्वार हो रहे हैं। मौजम शाह रोड की आवाम परेशान और डीसी चनियोट सईद मसूद नोमान से अपील की है कि रोड मौजम शाह मुकम्मल करवाया जाए ताकि मौजम शाह के वासी भी सेहतमंद माहौल में जिंदगी गुजार सकें। याद रहे कि मोहल्ला मौजम शाह में सीवरेज और गंदगी के मसाइल ने शहरियों को ज़हनी अज़ियत में मुबतला कर रखा है। प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद अदनान महबूब की दावत पर लालिया प्रेस क्लब के ओहदेदारान की सुपीरियर कॉलेज लालिया आमद। मीटिंग के दौरान लालिया प्रेस क्लब की नुमाइंदगी करते हुए हाफज मोहम्मद कफायतुल्ला सरप्रस्त आला ने यकीन दहानी करवाई कि हम लालिया में बेहतरीन निज़ाम तालीम लाने के लिए सुपीरियर कॉलेज लालिया के साथ भरपूर तआवुन करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि सुपीरियर कॉलेज लालिया बेहतरीन निज़ाम तालीम के साथ आवाम की तवक्कोआत पर पूरा उतरेगा। इस मौका पर सदर लालिया प्रेस क्लब मलक खालिद शरीफ और जनरल सेक्रेटरी राना मोहम्मद अकरामुल्ला, मलक सदीक हैदर मुस्तफाई व दीगर अहदेदारान मौजूद थे। प्रोफेसर मोहम्मद अदरान का कहना था कि कोरोना वबा के बायस इदारे बदतरीन इस्तेहसाल का शिकार हैं, लेकिन इसके बावजूद सुपीरियर कॉलेज लालिया इम्तहानात से फारिग तलबा व तालिबात के लिए फ्री कोचिंग क्लासेस का आगाज कर रहा है और इसके साथ पहले 100 दाखिले लेने वाले तलबा व तालिबात को फ्री यूनिफॉर्म और स्कॉलरशिप दी जाएगी। आखिर में लालिया प्रेस क्लब के अहदेदारान के एजाज़ में रिफ्रेशमेंट का अहतमाम भी किया गया। शहरी की दरख्वास्त पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सीईओ का एक्शन। मोहल्ला राजे वाले के रिहायशी शहजाद अली ने दरख्वास्त की कि इनकी दीवार के साथ इलाका के लोगों ने लैट्रिन बना रखी है जिसके बाइस पानी से मकानात गिर रहे हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सीईओ मोहम्मद नवाज ने इंक्रेचमेंट ऑफिसर मोहम्मद सलीम को तमाम तर कानूनी तकाजे पूरे करते हुए कार्रवाई का हुक्म दिया, जिस पर एनक्रोचमेंट ऑफिसर मोहम्मद सलीम ने मुसलसल नोटिस भिजवाए और 2 माह बाद जब नाजायज काबजीन की तरफ से टॉयलेट्स खत्म ना की गईं, तो एनक्रोचमेंट ऑफिसर मोहम्मद सलीम ने अमला के हमरा कार्रवाई करते हुए 20 साल पुरानी लैट्रिन गिरा दी और गली से मलबा 1 दिन में खत्म करने का हुक्म दे दिया। बाद अदा महकमा की तरफ से कार्रवाई करते हुए मलबा भी जब्त करने की वार्निंग दे दी। रिपोर्ट मलक सदीक हैदर मुस्तफाई, पाक टीवी, चनियोट।